जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत परिवार न्यायालय में 20 जोड़ों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर मिलन कराया गया, जिसके संबंध में जनपद के पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने बताया कि पारिवारिक न्यायालय में जिन पति पत्नी का विवाद चल रहा था, जिनको आपसी सुलह समझौते के आधार पर 20 जोड़ों का एक दूसरे को माला पहनाकर दोबारा मिलन कराया गया, जिससे सभी 20 जोड़े खुशी खुशी अपने घर गए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है उस पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सभी लोगों को और कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपसी समझौता करने वाले जोड़ों तथा जनपद के पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने कहा। अच्छा, दो फाइलें हैं ना? जी जी। अच्छा, हाँ हाँ, मैं नहीं, मैं तो वहाँ पे कुशीनगर जॉब करता हूँ। हाँ, अच्छा, तो उनको पहनाने दीजिए, खुश तो वो रहेंगी ना। उनकी प्रसन्नता है। इधर इधर ठीक है, लाओ वो भी दीजिए। ये लो बेटे, ये लो, आ जाओ, ये लो बेटे, पकड़ लो, आप पकड़िए, दो तीन लोग उधर देखते रहिए, बस और आराम से रहना, आपको परेशानी ना हो। चलो, विवेक श्रीवास्तव। आप लोग एक पे जा रहे हैं, कितने दिन से मुकदमा चल रहा था? 4 साल हो गया। तो अभी लोक अदालत में आप लोग एक पे जा रहे, क्या करना चाहेंगे, कितना सहयोग प्राप्त हुआ लोगों का? लोक अदालत का पूरा सपोर्ट रहा है हम लोग को, जब भी ये स्थिति आ पाई है हम लोग साथ हैं इस समय। बीनू श्रीवास्तव। क्या कारण था आप लोग आज फिर एक होकर जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो मनमुटाव हो गया था थोड़ा बीच में, फिर बाद में सब कुछ सही हो गया। हम लोगों ने काफ़ी गहराई से सोचा, इसमें बच्चे का ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसकी परवरिश पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, सामाजिक हीनता इसके मन में आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बच्चे की वजह से साथ साथ रहेंगे। लोक अदालत का कितना सहयोग प्राप्त हुआ? पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। लोक अदालत का आयोजन किया, कितने जोड़ों को भेजा गया? आज जिन लोगों का विवाद चल रहा था आपस में पति पत्नी का, उनमें से सुलह समझौते के बाद परिवार न्यायालय गोरखपुर से कुल 14 जोड़ों का पुनर्मिलन कराया गया है, और वो खुशी खुशी विदा होकर कोर्ट से ही अपने घर गए हैं। सर, कितना कारगर साबित हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत? राष्ट्रीय लोक अदालत जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की ओर पूरी तरह से अग्रसारित है, और काफ़ी हद तक उद्देश्य की पूर्ति भी हो रही है, लेकिन इसमें अभी हमारी तरफ से, हम सब की ओर से और प्रयासों की ज़रूरत है।